रही हूँ कि जो जॉब है वो एज ए ट्रांसलेटर का है, मतलब कि इंग्लिश में पेजेस आएंगे. एक मिनट मैं दिखाती हूँ. अच्छा, मेरे उस वाले फ़ोन में नहीं खुलेगा, इसी में खुलेगा, मैं साइड में लगा दूंगी, आप देख लेना. तो इंग्लिश में आएंगे और उसको क्या कहते हैं, हम मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करके और उन लोगों को पेजेस टाइप का बना के मेल करना होगा. वेलकम बैक टू प्रिया की लाइफ. में मैं हूँ प्रियंका, ये माई यूट्यूब फैमिली. कैसे हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा. तो यहाँ पे मैं डॉक्टर के पास आई हूँ. इसके पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा, तो उसमें मैंने आपको बताया था. तो बस थोड़ी सी क्लिप शूट कर ली आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, और बहुत कम भीड़ थी और यहाँ पे न्यूज़ चल रही है. तो अच्छा, कार्तिक के लिए दो, आपके लिए तीनों, मेरे लिए मिले आधा. उसका सीढ़ा नीचे उतरो, उसका सीढ़ा. तो ठीक है, मैं भी क्या करूंगी, सारे जो पनीर उनीर है वो खा के और जो ग्रेवी है वो दे दूंगी नीचे की. अरे भैया, मैं मम्मा आपके लिए मैं दो दे दूंगा. दो क्या दे दोगे? रसगुल्ला. रसगुल्ला रसोगुल्ला. रसोगुल्ला क्या होता है? उसको रसोगुल्ला बोलते हैं. रसोगुल्ला कहाँ की फेवरेट मिठाई है? खोड़ा की. फेमस कहाँ की मिठाई है? खोड़ा की. कोलकाता की. कोलकाता? हाँ, रसगुल्ला और संदेश. मुझे तो पता ही नहीं था, मैम ने बताया भी नहीं है. हाँ, मैम ही सब थोड़ी बताएगी. टी शर्ट सही करो. टी-शर्ट मास्क लगाओ. बोला टी शर्ट चेंज कर लो, किया भी नहीं. टी-शर्ट करो चेंज, हो रहा है अभी, खुल जाएगा बैठोगे. नहीं खुलेगा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा फेडेड लग रहा है. चलो कोई नहीं, गर्मी है. चमक गई है. अरे यहाँ व्यूअर्स बेचारे देखते हैं, इनको हाय तो आप बोलते ही नहीं है कभी. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी हाय तो बोलिए. हैप्पी बर्थडे. जस्ट शट अप. हाय तो बोलिए. हेलो. इसमें देख के कहाँ हेलो नहीं होता. हेलो क्या? हेलो गाइस ऐसे बोलते हैं. हेलो गाइस. खाली मस्ती है. तो गुड इवनिंग, शाम के हो रहे हैं 5:20 और अभी जस्ट आपने देखा मेरे हस्बैंड और बाबू घूमने गए हैं. एक्चुअली मुझे भी जाना था, लेकिन गर्मी की वजह से आप देख ही रहे मैं कितनी रफ हुलिये में हूँ. मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मैं दिन के समय में जो है मैक्सी डालूं, नाइटी डालूं. लेकिन क्या है ना कि अभी गर्मी थोड़ा सा बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, और आज संडे था. सो थोड़ा सा रिलैक्सिंग टाइम होता है ना संडे का दिन. सो इस वजह से मैंने मतलब सूट नहीं वियर किया आज. और दूसरा रीजन ये भी है कि रात से हमारे यहाँ लाइट मतलब पता नहीं क्या खराब हो गई थी. कुछ लोगों की आ रही थी और कुछ लोगों की नहीं आ रही थी, जिनमें मैं भी थी. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ही मतलब जहाँ पे हम रहते वहीं का था, मतलब लगभग पूरे ही क्षेत्र का ऐसे ही था यहाँ पे. तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि ना ही कूलर चल पा रहा था, ना ही पानी ठंडा मिल रहा था. तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई. सो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करने लगी, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा मतलब नहीं बर्दाश्त कर पाती हूँ. मेरे हबी की बात करूँ तो उनको सर्दी ज़्यादा मतलब नहीं उझेल पाते हैं, लेकिन गर्मी वो बर्दाश्त कर लेते हैं. मेरा बेटा भी, लेकिन मैं नहीं कर पाती. सो मैं नहीं गई. मैंने कहा नहीं, आप लोग जाइए, मुझे काम भी है घर में. घर भी बहुत मैसी हो रखा है. एक तो हस्बैंड जब घर में रहते हैं, छोटा सा घर है, आपको पता ही है, कुछ यहाँ लोग डालेंगे, कुछ वहाँ डालेंगे. और कल सुबह क्या हो गया, मोटर खराब हो गई, तो उस वजह से मोटर नहीं चली. कल शाम से लाइट ही नहीं थी, तो पानी भी नहीं था कि मतलब मैं अच्छे से काम वगैरह कर पाऊँ. तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई है. अभी जाके दोपहर क्या 2:30 बजे के करीब लाइट आई है, तो तब जाके जो है मतलब मोटर वगैरह चली है. तो फिर अब मैं कपड़े जो है टेरिस पे धोती हूँ. मैंने एक दो ब्लॉग में पहले शेयर किया था, फिर कभी अगेन शेयर कर दूंगी. तो वहाँ पे धूप थी, धो नहीं सकती थी, और हस्बैंड भी मना कर दिए, बोले नहीं रहने तो आराम कर लो. लेकिन मैं आराम भी नहीं की. एक्चुअली मैं किसी जॉब के कोर्सेस में हूँ, क्योंकि आजकल एक लोगों के कमाने से आप लोगों को पता है कि सबकी ज़रूरतें पूरी नहीं की जा सकती हैं. जैसे फैमिली में मेरे ससुर जी हैं, सासू माँ हैं, और उसके बाद बाबू हैं, मैं हूँ, और भी मतलब मेरी ज्वाइंट फैमिली
है, बड़े ससुर जी हैं, उनकी फैमिली। हालांकि मेरे जो बड़े ससुर जी के एक ही बेटे हैं, मतलब मेरे देवर, वो प्राइमरी टीचर हैं, तो उनकी तो कोई चिंता की बात नहीं है, भगवान की दया से उनकी फैमिली स्टेबल है। लेकिन हम लोगों की फैमिली में मेरे हस्बैंड जॉब में है, मेरे जो देवर हैं वो एक साल हो गया जॉब ही नहीं किए, छुट्टी पे गए फिर आए नहीं, तो फिर उसके बाद से प्रॉब्लम है। तो अब सभी को कमाना पड़ेगा, हालांकि हम तो उनका खर्चा इतना नहीं उठा पाएंगे, लेकिन क्योंकि अगर हस्बैंड की भी गवर्नमेंट जॉब होती तो चलिए ठीक है, और क्योंकि सास ससुर भी हैं सब, मेरी सासू माँ को गठिया की प्रॉब्लम है, सो यहीं से उनका ट्रीटमेंट होता है कैलाश हॉस्पिटल से सेक्टर 27 में, तो वहाँ का थोड़ा सा इलाज महंगा पड़ता है, आप लोगों को पता ही है, और मंथली हम लोग दवाई भेजते हैं, कोई ना कोई जाता है। तो बाबू भी पढ़ रहे हैं और मैं भी, जैसे मेरी भी हेल्थ जो है उतनी सही नहीं रहती है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कोई ना कोई जॉब कर लूँ जिससे हस्बैंड पे प्रेशर थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आदमियों लोगों पे प्रेशर ज़्यादा होता है ना, तो फिर वो इतना घर में खुश नहीं रहते हैं, फिर कलेश का माहौल हो जाता है घर में, है ना, वो इतने अच्छे से बात नहीं करते, इतना अच्छे से खुश नहीं रहते हैं, तो फिर हम लोगों का भी मन अच्छा नहीं रहता है, फिर मन माहौल बहुत खराब सा हो जाता है। और इन्हीं सब चीज़ों के चलते मैंने यूट्यूब भी ज्वाइन किया था, क्योंकि ये चीज़ का मुझे रियलाइजेशन कोरोना के टाइम पे हुआ था, जब मेरे हस्बैंड जॉब बिल्कुल नहीं करना चाह रहे थे, उनको एक डर था मन में कि यू नो, मतलब क्या हो जाए, तो मुझे लगा कि अगर मैं अपने पैर पे खड़ी होती तो आज मुझे इतनी चिंता नहीं होती। सो मुझे उसी टाइम पे ये बात रियलाइज हुई और अभी मैंने YouTube ज्वाइन किया। लेकिन YouTube में भी आप लोगों को पता है कि अभी स्टार्टिंग का जो जर्नी होता है वो बहुत स्ट्रगल वाला होता है, सब्र वाला होता है, और ऐसा नहीं है कि आज आप YouTube ज्वाइन किए हैं तो आज आप सफल हो जाएंगे, आज ही आपको पेमेंट आने लगेगी, तो उसमें टाइम है। हालांकि YouTube अब मैं पेमेंट के लिए नहीं, अब मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों से बात करना, आप लोगों के साथ अपनी फीलिंग शेयर करना बहुत ही अच्छा लगता है। पता है जब मैं आप लोगों से बात करने के लिए अपना फ़ोन उठाती हूँ ना, मैं कहाँ से शुरू करती हूँ, टॉपिक कहाँ तक चली जाती हूँ, मुझे खुद भी पता नहीं चलता है, और ऐसे तो मैं मतलब घंटों बातें कर सकती हूँ मैं आप लोगों के साथ। सो अब मुझे यूट्यूब इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बहुत सारी मतलब यह मोटिवेशन मिलती है, सबका लाइव देखो और सबका स्ट्रगल देखो, तो अब मुझे YouTube बहुत अच्छा लगता है। अर्निंग की तो इसमें कोई बात ही नहीं है, YouTube पे आने के बाद लाइफ मेरी बहुत चेंज हुई, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ मेरे व्यक्तित्व में, और इस पे कभी और डिटेल में बात करेंगे कि क्या कुछ हुआ। तो अब मैं सोच रही हूँ कि जो जॉब है वो एज ए ट्रांसलेटर का है, मतलब कि इंग्लिश में पेजेस आएंगे। एक मिनट मैं दिखाती हूँ, अच्छा मेरे उस वाले फ़ोन में नहीं खुलेगा, इसी में खुलेगा, मैं साइड में लगा दूंगी, आप देख लेना। तो इंग्लिश में आएंगे और उसको क्या कहते हैं, हम मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करके और उन लोगों को पेजेस टाइप का बना के मेल करना होगा। सो मैंने आज एक ऐसे ही ट्राई किया था, मतलब ट्रांसलेट करके कॉपी पे लिख के, सो मैं कर ले रही थी, हस्बैंड ने अप्रूव कर दिया है, लेकिन अभी क्या है कि कंप्यूटर पे टाइपिंग की स्पीड चाहिए, तो वो सीखने में मुझे 2-3 महीने लग जाएंगे, क्योंकि स्पीड नहीं होगा तो फिर कर नहीं पाऊंगी। और दूसरा ट्रांसलेटर जो ट्रांसलेशन का भी है, तो ऐसा होना चाहिए कि लाइन देखते ही मैं फटाफट से मतलब यू नो, टाइप कर लूं। हालांकि पेजेस वाइज होते हैं, अगर मैं एक पेज भी बनाती हूँ तो भी मेरा एक दिन का 200-250 पेज के हिसाब से बनेगा, तो भी बहुत है घर बैठे से, तो एक दिन का अगर 200 बन रहा है तो उसी हिसाब से आप काउंट कर लीजिए महीने का। और अगर ज्यादा करने लगूंगी तब तो कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि वो ऐड के जो है पेजेस होते हैं, तो बहुत अच्छा है ये अपॉर्चुनिटी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मेरे हाथ से ना जाए। और नेक्स्ट मंथ मैं डेफिनेटली पीसी ले लूंगी, क्योंकि अब हस्बैंड को लग रहा है कि पीसी की जरूरत ज्यादा है, तो नेक्स्ट मंथ लेने वाली हूँ, जो कि मैंने एक बार आपको अट्टा का शेयर किया था, साइड में उसका भी थंबनेल लगा दूंगी, आप जाके देख लेना, वहाँ पे मैंने एक दो शोरूम आप लोगों को दिखाया है डेल का। तो क्या है कि कंप्यूटर ले लेंगे तो हस्बैंड को भी आते रहते हैं अलग से, प्रेस के मतलब ये न्यूज़पेपर का जो काम होता है अलग से आता रहता है, तो वो भी कर लेंगे, एंड मैं तो काम करूँगी ही करूँगी सीख के। तो वे यही सारी चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो दोपहर निकल गई पता ही नहीं चला, तो वो हमसे कहे कि आप भी तैयार हो जाओ चलो, उनका मूड आज काफ़ी अच्छा था, तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे वाईटी का भी काम है और घर भी बहुत ज़्यादा मैसी है, और मुझे आप लोगों से भी बातें करनी थी, शेयर करना था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, और जब मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ तो मैं मन होता है कि अपनी खुशी किसी से शेयर करूँ, तो मैं आप लोगों से शेयर किए बिना नहीं रह पाई, इसलिए मैं उन लोगों को भेज दी। और वो लोग क्या लेने गए हैं, आएंगे तो दिखाएंगे, ज़्यादा कुछ
लेने नहीं गए हैं, मतलब स्वीट और समोसा लेने गए हैं, एक ही एक ही पीस लेके आएंगे। ज्यादा मेरे हस्बैंड खर्च करने वालों में से नहीं है, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि यूँ बाहर, मतलब बाहर का जो खाते हैं हम लोग वो नुकसान ही करता है, घर पे बना के खा लें ज्यादा बेस्ट है। बट हम बोलते हैं कि घर पे तो डेली बना के खाते हैं, कुछ बाहर का भी खिला दीजिए, तो वो कम क्वांटिटी में लाते हैं, वो तो खुद खाएंगे भी नहीं, लेकिन हम लोगों के लिए ला देते हैं। तो लाएंगे तो मैं दिखाऊंगी। और चलिए, बातें ज्यादा हो गई हैं, अब मैं अपनी बातों को ही पूर्ण विराम लगाती हूँ, एंड जो आएगा वो मैं आपको दिखाऊंगी। और आज मैंने नेल पेंट भी लगाया, मैं मोस्टली नेल पेंट लगाना भूल जाती हूँ, और मैं रील भी बनाती हूँ तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ, फिर मुझे दिखता है कि अच्छा मैं, मतलब इतना बिजी लाइफ होता है कि ये सब भी करने का टाइम नहीं मिल पाता है। काफ़ी टाइम से एक मुझे आपके साथ फेस मास्क का डेमो रिव्यू दोनों शेयर करना है, लेकिन बस वही टाइम का अभाव नहीं कर पा रही हूँ। और एक बताया था जब पर्पल का शेयर किया था शॉपिंग हॉल, तो उसमें भी एक आया था कोरियर, मैंने आपको बताया था, वो भी नहीं मतलब दिखा पाई हूँ। और मैंने वो सूट जो है मैंने रिटर्न कर दिया था, जो इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा है, और साड़ी मैंने ऑर्डर कर दी है और जल्दी आ जाएगी, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, अब हस्बैंड आएंगे, वो मैं नाश्ता आपको दिखाऊंगी, एंड उसके बाद मैं इस व्लॉग का एंड कर दूंगी, काफ़ी लंबा हो गया है। तो जैसा कि मैंने बताया ही था कि हमारे यहाँ बहुत हिसाब से लाएंगे मेरे हबी जी, तो ले आए हैं, और बस ये शाम का नाश्ता हम करेंगे और उसके बाद फिर अपना डिनर बनाऊंगी। तो बहुत ही हिसाब से लाए नाश्ता, हाँ गर्मी में कम। और यहाँ देखिए टकलू का, और पीछे आपको कपड़े दिख रहे होंगे, जो कि मैंने बताया पानी की प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं मॉर्निंग में धोऊंगी, इस टाइम धोने वाली थी लेकिन नहीं धो पाई। तो चलिए फिर मिलती हूँ, फिर मैं वीडियो का एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत ही लंबा हो गया है व्लॉग। तो ये आप देख सकते हैं, ये पनीर और मेयोनीज सब का है, मतलब इसमें प्याज भी ना ऐसे, एक सेकेंड, प्याज भी जैसे इसमें टुकड़ों टुकड़ों जैसे रखे रहते, मतलब रहता है, तो ये काफी मतलब खाने के बाद हैवी सा लगता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। और कौन कौन खाया है प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ कार्तिक लगे पड़े हैं, और आप सब जगह इस समय देख रहे होंगे कपड़े ही कपड़े हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि पानी की वजह से और लाइट की वजह से घर में ऐसी सा हो रखा है। तो मेरा तो पेट भर गया खा के, क्योंकि वो रसगुल्ला भी बड़ा था, और ये जो समोसा आपको दिखाया पनीर का, ये भी काफ़ी हैवी है। और अच्छा कि ये मेरे हस्बैंड कम लाए, क्योंकि वो बाहर का खाते नहीं है, वो सिर्फ रसगुल्ला खाए, वो भी नहीं खाते, वो मैंने छेना था इसलिए बोला उनको खाने के लिए, तो उन्होंने खा लिया। और अभी टाइम हो रहा है 7, अब डिनर का तो कुछ अता पता नहीं है क्या बनेगा, देखेंगे बाद में। तो चलिए इस व्लॉग का एंड कर देते हैं, और मिलते हैं नए वीडियो व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना अपनों का ख्याल रखें।